चलो पूरी उंगली गई है। चलो पहनो बुरका पहनो। चलो बुरका पहनो। पॉलीफेक्स लगा रहे हो? मुझे दिख नहीं रहा, जख्म में भर दो मेरे पॉलीफेक्स। खड़ी तो किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, किसी को ना कुछ भी नहीं मिलेगा। खड़ी हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, जो ये स्टार्टिंग में आपने देखा है ना, यहाँ पे ये सीन हुआ है जी कि ना, रात के मैं बर्तन वगैरह फारिग कर रही थी और बालकनी में टहल लगा रही थी। वहाँ पे पाँव में, आपको पता है बिल्ली मेरी आ जाती है, उसको बचाने के चक्कर में ना मेरे जो बालकनी में मेरा पलंग रखा हुआ है ना, उस पर मेरा बहुत बुरी तरह से पैर रख दिया गया है, लगा उस पर, और मतलब बहुत बुरा हाल हो गया था, नाकाबले बर्दाश्त हो रही थी। और मैं कह रही थी नहीं, जस्ट चिल मारो, हो जाएगा सही, लेकिन बच्चे भी परेशान हो गए थे। और फिर डॉक्टर वगैरह के मैं गई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो गई थी, बहुत ज़्यादा। और सच बताऊं तो मैं भी थोड़ा डर गई थी देख के। यहाँ पे मैं एजल को शूट कर रही थी और एजल गुस्सा कर रही थी, अंदर बैठ गया। मैं कह रही थी क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, तो दोनों के मुझे डांट रहे थे कि क्या हो गया मम्मा। बाकी यहाँ पे इंजेक्शन वगैरह मेरे लगा, बड़ा ही ज़ोर का इंजेक्शन यार लगाया था। बाकी लगा शुक्र मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। एजल क्या कर रही है? मैंगो खा रही है। कितने बजे? सुबह हो गई। नाश्ते में मैंगो? नाश्ते में मैंगो जी। मैं टाइम दिखाऊं सबको एजल का नाश्ता कब हो रहा है? मैं टाइम दिखाती हूँ एजल का नाश्ता हो रहा है 2:30 बजे, क्योंकि हमारी जो लाइट है वो कितनी दफ़ा गई है आज? दो दफ़ा गई है। और दो दफ़ा लाइट गई है। और मेरी चाय यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे मानो मेरी किचन में बैठी हुई है, यहाँ पे चाय मेरी बन रही है। हालत देखें यार, मतलब गैस के चूल्हे ने ना ऐसे तबाही मचाई हुई है। गैस के चूल्हे ने कह रही हूँ, गैस का जो सिलेंडर लिया हुआ है ना, उसने ऐसे कोई ना तबाही मचाई हुई है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने हलीम की दालें भिगो के रखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे चाय है। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको मज़े वाली दिखाऊँ। क्या दिखाती हूँ मैं आपको मज़े वाली चीज़ें? ये देखें ज़रा, ये निकम्मे लोग कुछ इस तरह से यहाँ पे लेटे हुए होते हैं, जिनका कोई काम वगैरह नहीं होता ना, वो निकम्मे लोग ऐसे लेटे हुए होते हैं, ठीक है। अब उठ जाओ भाई, लाइट आ गई है, हैं? उठ जाओ अली रजा। ये मेरा यहाँ पे टुंडू दोनों सो गए। उठो अली, उठो, धूप देखे कितनी चढ़ी हुई है यहाँ पे, उठो। और यहाँ पे मेरा काम स्टार्ट है, ये काम हो रहा है। कंगे शंगे यहाँ पे फेंक के चले जाते हैं फैजान साहब। अच्छा जी, मेरा बिल्कुल भी कोई मूड नहीं हो रहा कि मैं किचन की लाइट खोलूँ, कोई इतनी गर्मी हुई हुई है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। आज यहाँ पे चाय का मूड हो रहा है मेरा, बहुत दिल चाह रहा है, क्योंकि सुबह से भी जागे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, जो यहाँ पे आलम हुआ था ना रात को, बता नहीं सकती, पैर मेरा कुछ बेहतर है यहाँ पे, ठीक है। और मौसम कुछ इस तरह का हो रहा है, कितना प्यारा हो रहा है ना, पौधे देखें। अच्छा, यहाँ पे मैं बताऊँ एलोवेरा के बारे में ना, तो एलोवेरा जो देखें आप, अगर आप गौर से देख रहे होंगे ना, मेरा एलोवेरा बहुत अच्छा हो गया है। अगर पिछले दिनों में आपने मेरी वीडियो देखी है ना, तो वो उसके हिसाब से ये एलोवेरा बहुत ही अच्छा हो गया है। मेरे पास जितनी नॉलेज पौधों की होगी, मैं लाजमी वो आपसे शेयर करूँगी। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, देखें कल मैंने पानी नहीं दिया, तो पत्ते यहाँ पे पुदीने के ना थोड़े से डाउन से हो गए। माशाल्लाह यहाँ से रूट निकल रही है, देखें एक यहाँ से रूट निकल रही है, और ये निकल गई माशाल्लाह, माशाल्लाह से एक ये निकल गई, यहाँ से निकल गई। और मैं आपको दिखाऊँ यहाँ से ये बेल कितनी लंबी जा रही है मेरी, देखें। अभी 3 दिन में यहाँ पे आई नहीं हूँ, यहाँ पे पूरे पाइप के साथ जो थी ना बेल, वो लिपट गई है ऐसे गोल राउंड में करके, और बहुत ही प्यारी है यहाँ। इसमें ना ये बेल मुझे बहुत पसंद है, पता है, इसमें येलो येलो वाले फूल आते हैं, मुझे बेहद पसंद है। अच्छा, एलोवेरा का भी मैं आपको सारा बताऊँगी इंशाल्लाह ताला से, कि किस तरह से ये ग्रो करता है, इसकी क्या केयर होती है, ये सब मैं आपसे डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह आने वाले ब्लॉग में।
ये कोई पार्सल आया, इधर कोई पार्सल वगैरह आया, अब देखते हैं अनबॉक्स करते हैं कि किस चीज़ का पार्सल है ये। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जो है इधर टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है और इधर टाइम हो रहा है 4:15। और मम्मा जानी जो है ना व्लॉग देख रही हैं अपना ही, और मम्मा कुछ ऐसे बैठ के ऐसे स्टिचिंग करती हैं हमारी, और फैज़ान कुछ ऐसे लेटा हुआ है, और फैज़ान के इधर कार्टून चल रहा होता है और फैज़ान ऐसे लेटा हुआ होता है। और ये फैज़ान के पास क्या चीज़ है? हटा हटा दिखा, बैला लेकर आए हो आप? वाह भाई वाह, ऐसे बैला लेटी नहीं है और इनके साथ ये लेटा हुआ है। और टाइम मैंने आपको बताया था 4:15 हो रहे हैं। मम्मा जो है ना सारे घर के काम करके जो है ना बस इनको यही नाइट मिलती है कि वो अपना नाइट लगा कर अपना सारा काम कंप्लीट करती हैं, और उनके साथ हमारी भी नाइट लगी हुई होती है क्योंकि मम्मा जाग रही थी तो हम भी जाग रहे होते हैं। और देखें किचन जो है ना कितना मैसी हुआ हुआ, डर्टी हुआ हुआ है, तो अभी जो है ना मम्मा साफ़ कर देती बिकॉज के उन्होंने इसलिए साफ़ नहीं किया, हमारे पास बर्तन धोने का साबुन ख़त्म हो गया था, तो मम्मा ने कहा कि चलो मैं कल साफ़ कर दूँगी सारे बर्तन, और मम्मा जाने तो सारे काम वगैरह करेंगी। तो मम्मा जाने को जो है ना 6-7 ऐसे बज जाते हैं। कहाँ लेके जा रहे हो बैला? चलो अब इसको भूख लगी है। जाओ मैं तुम्हें एक डेयर देती हूँ कि जो है ना तुम जो है ना उधर जो है ना क्या कर रहे हो, इधर ना इधर खड़े हो इस बालकनी में जाकर। हाँ हाँ खड़े हो खड़े हो। नहीं 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 माचिस नहीं 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 नहीं। तो कुछ ऐसी हमारी बालकनी हुई होती है, नहीं नहीं बस डेयर ख़त्म डेयर ख़त्म। अल्लाह फिजान यार मुझे बहुत हॉन्टेड लग रहा है यार, प्लीज चले, इधर अंधेरा भी हुआ हुआ है। दिखा दो जोकर का फेस बना हुआ है वहाँ पर। कौन बना हुआ है वो? वहाँ पर जहाँ पर वो सामने वाले घर है वहाँ पर जोकर का फेस नहीं बना हुआ था अबे गो। ओए ओए मुझे मजा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं यहाँ नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, टावल लगता है। और जब मैं नहा कर आई ना तो पता मैंने क्या देखा? देखे यहाँ पे कितनी तेज बारिश हो रही है, फैज़ान देखे कैसे नहा रहा है बारिश में टावल पहन के। और हमारे ट्यूशन का टाइम होने वाला था, हम बिल्कुल फिट पर रेडी थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है ना बारिश हुई है तो ट्यूशन की यकीनन छुट्टी होने वाली है। पूरी ऐसे बारिश हो रही है, कल भी बारिश हुई थी और हमारे पौधों को पानी भी मिल गया, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं सारे पौधे। और ये ऐसे कितनी तेज़ बारिश हो रही है, कन्फर्म ट्यूशन। आपको क्या लगता है कि कितने बजे तक बारिश होनी चाहिए? तो इस तरह से पूरी बारिश उसमें का टाइम निकल जाए तब चलो ठीक है। फिर ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी बारिश हुई, हम बारिश में मज़े कर रहे हैं। और कल भी बारिश हुई थी, कल हमने पकौड़े बना के खाए थे, और हमारी माँ जो है ना इधर बैठी है पूरे फूंद का सत्यानाश हो जाए पानी।